इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं, यानी दोस्तों अगर आप 2020 में इंटर में पास हैं और आप आवेदन कर दिए हैं, तो फिर दोस्तों आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका आवेदन कहाँ तक गया है, आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर कैसे आवेदन करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इसमें आवेदन कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग आवेदन कर दिए हैं उनको स्टेटस कैसे देखना है कि उनका यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म या फिर नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट हुआ भी है तो कहाँ तक गया है, तो दोस्तों पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, या फिर दोस्तों आप अपना कोई भी इंटरनेट के ब्राउजर में आइएगा और दोस्तों वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा ekalyan.bih.nic.in। आप यहाँ पे देख सकते हैं ekalyan.bih.nic.in, इतना लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। सो जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो फिर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो आपको एक लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। सो जैसे ही आप वहाँ कोई एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, तो सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। सो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मार्कशीट पे देखेंगे और दोस्तों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ सर्च कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फिर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका स्कूल का नाम देखने को मिल जाएगा, आप जो भी स्कूल से यहाँ पे इंटर किए हैं वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा नेम एज पर बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहले यहाँ पे प्रोसेस में था लेकिन यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे फादर्स का नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका मदर्स का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा, पूरा अकाउंट नंबर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा, पूरा आधार नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आधार भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी दोस्तों यहाँ पे पहले प्रोसेस में था। अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं बताया था कि ये सब अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग के बीच में एक वीडियो बना के दे दूँ कि यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनलाइज में यहाँ पे यस देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस से यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, जो कि पहले दोस्तों ये प्रोसेस में था यहाँ पे, लेकिन अब वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैंक वेरिफिकेशन स्टेटस, जो कि यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों आपका एक्सेप्ट हुआ है बैंक वेरिफिकेशन या फिर नहीं हुआ है, ये भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या एक्सेप्ट हुआ है और क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपका फॉर्म भरते हुए 2 दिन या 3 दिन हुआ होगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे सब प्रोसेस में होगा। अगर दोस्तों 10 दिन से ज़्यादा हो गया होगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे सब एक्सेप्ट हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम वेरीफाई, यानी दोस्तों यहाँ पे अभी तक नेम वेरीफाई नहीं हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस में अभी चल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक में यहाँ पे नो देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा इन प्रोसेस, ये भी यहाँ पे इन प्रोसेस में चल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये नेम वेरीफाई हो जाएगा, इन प्रोसेस में अभी है, जैसे ही ये नेम वेरीफाई हो जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पे पेमेंट भी सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये नेम वेरीफाई होने में कम से कम 5 या 10 दिन लग सकता है, यानी दोस्तों कह सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पे 10 से 15 दिन के बीच में आपका पेमेंट आ जाएगा, अगर दोस्तों इतना सब एक्सेप्ट
हो गया होगा। तो सो जैसे ही दोस्तों इसका पेमेंट आ जाएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि मेरा पेमेंट आ गया है, आप भी अपना चेक कर लीजिए। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग के मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।